जरा एक मिनट, मेरी घड़ी मुझे बता रही है हाँ कि फिर से एक बार ये टाइम है आप लोगों की मीम्स का रिव्यू करने का। Let's begin. BBS returning after a 9-month break. This comment, your consistency and quality of content never disappoints. I know, but जब ये स्पैम के रूप में इतनी सारी कमेंट्स आती हैं तो you know वो worth feel नहीं होती। Me peacefully playing Minecraft during class. Yes, Saksham. Okay. Not relatable, bhai. Online class. Ma'am, I have a thought, kabhi. Ma'am, which is said by, ma'am, a quote which is said by George Weinberg. Ma'am, the quote was, "Hope never abandons you; you abandon it." So, ma'am, we should say to faith and hope that never going to give you up, never going to let you down, never going to run away. Oh, bhai. Isne indirectly humko bhi kar diya, pata hai, Rick Lowell. Hum phas gaye. We walked right into it. Bhai, kitna deep hai ye? नीचे रोशनी भी है। रोशनी भी है। ये नई चीजें हैं यार, ये केव्स वगैरह है ना। मैं नीचे कूदा तो डेफिनेटली मर जाऊंगा। तो बेसिकली इन्होंने ना बहुत ज्यादा डीप कर दिया इन केव्स के साथ सब कुछ। हाँ, इन्होंने। हाँ तो मैं ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर मैं उधर वो वाटर छोड़ दूं तो क्या मेरा चैलेंज हो जाएगा? चैलेंज हो जाएगा। ओ भाई, पूरी वीडियो ना डबल मीनिंग बना दी तुमने। या मेरी इमेजिनेशन अच्छी है? हाँ, सेल्फ हैप्पीनेस, खुद खुशी। ओ भाई बढ़िया थी। फाइनली बीबीएस ने कमबैक किया हिंदी सॉन्ग भाई, बट एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं। नॉट रिलेटेबल, थोड़े थोड़े ब्रेक लेके वीडियोस देख लूंगा। सीधे 3 घंटे की वीडियो डाल दी। कोई नहीं, एग्जाम्स के बाद देख लूंगा ये वाली। दूसरी 2 घंटे की वीडियो डाल। ओ भाई। देखो मुझे पता है जब लाइफ इज स्ट्रेंज की या फिर ऐसी चॉइसेस वाली गेम्स की लंबी वाली वीडियोस डालता हूँ मैं तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आई अग्री। पर चॉइसेस वाली गेम्स में पार्ट्स में नहीं डाल सकता, इट्स नो फन। चॉइसेस 2 होती हैं और उन 2 चॉइसेस के लिए मैं 10 पार्ट्स डाल रहा हूँ तो इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन जिन लोगों ने खुद वो गेम्स नहीं खेली ना उनकी तकलीफें मैं समझ सकता हूँ, बट जिन्होंने खुद वो गेम्स खेली है ना उनके लिए 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। ट्रस्ट मी, थिंग्स आई वांट टू सी बीबीएस इन YouTube Fan Fest, Diamond Play Button, Rewind. मुझे पता है क्या, जब शुरू हुआ ना मुझे लगा था, मुझे फील ही आई थी ऐसा कुछ होगा, पर नहीं। जब Fan Fest आया मैंने कहा ओ लेजिट वीडियो है, बट नहीं वो चीज तो डाल ली है। That takiya cover has not been changed since the first setup. मेरा फेवरेट तकिया है ये, पता है ये सबसे सॉफ्ट है हमारे सारे तकियों में। और वो जो ब्लैक कलर का कवर चढ़ा रखा था ना मैंने, वो भी इसी तकिए पे था। यही मेरे को सही लगता है अभी तक। यार मेरे को एक पिलो नया चाहिए यार, इसी से पता चल रहा, बताओ कितने 4 साल हो गए यार, हद है। बीस्ट इन हिज न्यू सेटअप, अरे वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया लग रही है। 20x पिक्सल आर्ट विद एम्बियंट लाइटिंग, अरे यार ये पिक्सल आर्ट सी भाई मेरी न्यू फेवरेट थिंग है, बहुत बढ़िया ये। शुभ रिएक्टिंग टू मीम्स ऑन दिस सबरेडिट, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। सारी नहीं, पर सारी नहीं, कुछ मीम्स बहुत बढ़िया होती हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बीबीएस, अरे बाप रे ये मेरे को सेक्सुअलाइज क्यों कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, हाथ एकदम सही से काम करें। अपना एक बॉर्डर बना रहा हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ आराम से। अंदर अंदर भाई, कितना डीप है ये। शुभम दबा दबा। ओ फाइनली भाई। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे से ज्यादा वो जो है ना इमेजिनेशन, ये इन लोगों की अच्छी है। अबे तुम तो माइनक्राफ्ट के अंदर भी कैसे इमेजिन कर लेते हो कुछ और। हा? वो माइनक्राफ्ट के ब्लॉक साउंड्स भी नहीं हटाई भाई। शुभ्स फर्स्ट टाइम, मजा आने वाला है। मेरे को इतना सेक्चुअलाइज क्यों कर रहे हो तुम? हेलो व्हाट इज हैपनिंग। मुंह में गया। Nice. भाई मजा आ गया ये तो भाई, ये आई थिंक आई डिड वेल भाई, मैंने बहुत बढ़िया करा। लाइक वो शॉट मिस करा बस मैंने। ये ब्रेक से आने के बाद क्या हो गया मुझे? When you do it for the first time, अबे first time के पीछे पड़ गए लोग, क्या हो गया? Alright, here we go. ओ बाप रे, ये छोटा कैसे अचानक? Alright,
अरे भाई क्या हो रहा है ये, और ये फनी क्यों है? So if he does pull-ups there, where does the D goes? इतना मैं काफी लंबा हूँ मैं कम है, हाँ फिर भी। अरे यार ये वियर्ड क्यों बना रहे हो तुम चीजों को यार, अब मेरे को वो हटाना पड़ेगा क्या लूफी का पोस्टर? गुड टू सी द प्ले बटन यूज हिज एक्सरसाइज इक्विपमेंट मोर देन हिम। आई एग्री, मेरे को यूज करने चाहिए भाई। डिगिंग, व्हाट इज दिस? तो अभी ये डिगिंग करने जाएंगे। अबे क्या है भाई, कहाँ से मिल रही है तुम्हें ये चीजें? यार ये टेम्पलेट मेरे को बहुत सही लगता है, मैंने कुछ मीम्स देखी हैं इस टेम्पलेट पे बनाओ मीम्स, ये बहुत बढ़िया है। पता नहीं मैंने कौन सी मीम देखी थी, वो बढ़िया थी। Hey guys, welcome back to my channel. पहली बार आया हूँ। So guys, आज के सीरियल में हम खेलने जा रहे हैं। हम नहीं, तू खेलने जा रहा है। रेस्टोरेंट टाइकॉन। टाइकॉन नहीं, टाइकॉन। अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। पहले खुद के हाथों से खाना सीख, देखते क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत बढ़िया मीम टेम्पलेट लगा था मुझे, पता नहीं मैंने कौन सी मीम देखी थी, वो बहुत बढ़िया थी, ये भी बढ़िया थी। पता है क्या, कुछ वीडियो पोस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मे बी हाई एफर्ट पोस्ट तो लग रहा है मुझे, पर प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें म्यूजिक वो होता है जिसपे क्लेम पड़ सकता है और वो वीडियो टेक डाउन हो सकती है, तो हम ऐसे पोस्ट दिखा भी नहीं पाते रेडिट रिव्यूज में। या इसमें साउंड ट्रैक बेन 10 वाला है, ओरिजिनल वाला, ये डेफिनेटली 2 मिनट में डाउन हो जाएगी वीडियो। BBS अपलोड्स अ रेडिट रिव्यू वीडियो। He says in the video he will take a short break. It's been 3 months since he has not uploaded a video. There is chaos on his subreddit and theories are being made that he dead or something. His break got extended because of family problems. His subreddit becomes private. Beez Bhaiju has come back after 9 months of break. You realize he was on 9 months break and was with his secret wife doing non-balak stuff, But you realize that this means there is a junior BBS. But his subreddit has become cartoon versus anime subreddit. ओके मेरे इंटरनेट को क्या हो गया, कम ऑन यार, आने दो मेरा इंटरनेट, आने दो, कंटिन्यू करेंगे इसे। वैसे मैं ये अनकैनी मीम्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था अभी ब्रेक में, बहुत देखी है मैंने, बहुत फनी थी भाई। People are posting non-OCN or memes which are not related to Shubh and getting many upvotes. Meanwhile, hardworking memers are getting no attention. Shubh is not uploading his Swagrath vlog. क्या trend trend है क्या? कुछ ये Swagrath vlogs upload करने का. But you know what, guys? I have somehow got that video सही में. And now I will give you his Swagrath vlog. Wow. And here it is. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया भाई, मैंने कोई स्टूपिड सी चीज एक्सपेक्ट करी थी, पर यार ये बेटर है, ये बहुत बेटर है। आई विल टेक रिक लोल, लिक लोल, आई विल टेक रिक रोल एनी डे। ये ऑनेस्टली ये रिक लोल से, रिक लोल क्या होता है शुभम? ये रिक रोल ना बहुत लोगों को वो यू नो वो अजीब लगता है जब वो रिकरोल होते हैं, बट ऑनेस्टली बहुत बढ़िया गाना है ये, मैंने ब्रेक में बहुत सुना है। नथिंग जस्ट माई पेरेंट्स गिफ्टिंग मी नोकिया 3310, लेना है तो ले, नहीं तो मेरे को भी 11th में नोकिया 2690 मिला था। देखा मेरे को नंबर भी याद है क्योंकि मैं यही बोलता था जो भी पूछता था, कौन सा फोन है नोकिया 2690 भाई। फर्स्ट फोन था मेरी लाइफ का वो, एंड आई वाज सो प्राउड, और उसी में मैंने ओपेरा, उसी में मैंने गूगल क्रोम सब कुछ चलाना सीखा, उसी में मेरी पहली फेसबुक आईडी बनी थी। किसी ने मेरे को बोला था FB चलाने को और मुझे पता नहीं था FB क्या होता है, मैंने बोला FB क्या, देन पता चला हाँ भाई FB की फुल फॉर्म है फेसबुक। Hey, want me to tell you a fact? Shut up, I'm trying to sleep, so please let me. Most of the people in BBS community don't know the difference between a danda and a gandasa. Really? Oh, boy, that's a surprise, yaar. Jinko nahi pata danda aur gandase mein farak, main bata deta hu. Let me help you. To danda basically tumhe pata hai kya hota hai, theek hai? Danda to bahut common hai. Agar tumhe danda nahi pata, तो पहले अपनी मम्मी के पास जाओ और उनसे पिट के आओ, क्योंकि तुम्हें डंडा क्यों नहीं पता। बाकी गंडासा होता है वो जिसे खेत में कटाई करते हैं, जिसमें वो ब्लेड होता है काफी और बहुत नोकीला होता है वो, और अगर गर्दन पे चल गया तो पता है क्या होगा फिर। गर्ल्स आफ्टर लूजिंग 5 rupees ऑन द स्ट्रीट, बॉयज आफ्टर वेस्टिंग 8 lakh ऑन BTech, यस भाई अलग ही प्राउड फीलिंग है। यहाँ पे बिल्ड करते हैं अपना टावर जिसपे से हम सुसाइड करने वाले हैं। मी आफ्टर फेलिंग 3 times इन UPSC, देर आर मेनी अदर चॉइस गाइज, इतनी जल्दी रश में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इफ दिस पोस्ट गेट 69 अपवोट्स आई विल मेक अ BBS फैन आर्ट। वेल ना 192 हो चुके हैं तो आई बेटर सी
फैन आर्ट यू नो। बाकी भाई ये वाले पोस्ट काफी अच्छे हैं यार। भाई अपना ना सिग्नेचर वगैरह डाल दिया करो, यू नो अगर कोई क्लेम करता है ना, अगर तुमने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, उसके बाद कोई ऐसे ही बाढ़क बुढ़क आके क्लेम करे, अरे ये क्या वहाँ से कॉपी कर लिया होगा, तो बड़ा दुख होता है। तो या अपने साइन वाइन कर दिया करो। जल्दी से दूध पी लेता हूँ, फिर BBS की लास्ट वीडियो की ऑडियो से डबल मीनिंग वाली मीम्स भी तो बनानी है। एक ट्रेंड आता है और लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करके पूरा सब रेडिट भर डालते हैं, यही हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। चेक दिस क्लिप ब्रो। अरे फैमिली गाय में बहुत सारी क्लिप्स है जो देख के इतनी हंसी आती है मुझे, यू नो लगता है अरे ये रेडिट रिव्यू पे होता तो मजा आ जाता है। अब ये फैमिली गाय से मत भर देना, इसे मैं रिव्यू नहीं करूंगा। और ये फर्स्ट एंड लास्ट क्लिप है जो मैं फैमिली गाय की रिव्यू कर रहा हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्लिप्स है। Wow, Lois Griffin. Hey, I love your act. Nice melons. Hey, listen, pal. Peter, I'm holding melons. Oh, and her Hooters ain't bad either. Now hang on a second there. Peter, I'm holding Hooters. Oh, sorry. No problem. Your wife's hot. All right then. ऐसी बहुत सारी क्लिप्स है, बहुत सारी सच में। ऑलराइट फेलोज, आज के रेडिट रिव्यू एपिसोड के लिए बस इतना ही। बाय द वे आई अग्री विद सम ऑफ यू गाइस कि जो बहुत ही अच्छी मीम्स होती हैं वो नीचे दब जाती हैं क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं आती और उन्हें अपवोट्स नहीं मिलते। तो मे बी मेरे को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा मीम्स को रिव्यू करने का, या फिर मेरे को यू नो बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा मीम्स को रिव्यू करने के लिए। बट आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी मीम्स को रिव्यू कर पाऊँ और हम वही डालें, बेशक मेरे को ज्यादा देर तक रिकॉर्ड करना पड़े, नो वरीज। बट एटलीस्ट मीम्स जो रेडिट रिव्यू पे जाएं वो वर्थ इट हो, यू नो। बाकी आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से रेडिट रिव्यू के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं करा है रेडिट पेज को तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके फॉलो कर लो। और मैं चला, गुड बाय।